हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्लेयर्ड स्लीव टॉप। तो इसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर कपड़ा ले लिया है, 36 चेस्ट का। मैं यहाँ पर ये टॉप बनाना सिखा रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने लेंथ वाइज कपड़े को हाफ फोल्ड कर लिया है और उसके बाद देखिए 12 इंच मैंने यहाँ पर से ले लिया है और इसको यूं फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ से लेने हैं शोल्डर का नाप। शोल्डर है 14 इंच। यहाँ से मैं क्योंकि कट स्लिप बना रही हूँ तो 6.5 इंच मैं शोल्डर टू चेस्ट लाइन तक ले रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ से लेंगे चेस्ट का 4 जमा में 2 इंच। 2 इंच में क्यों ले रही हूँ ये अभी हमें पता चल जाएगा। और 1 इंच हम लेंगे साइड मार्जिन। ऊपर से शोल्डर टू वेस्ट यानी शोल्डर से कमर तक का नाप ले रही हूँ मैं 14 इंच, और शोल्डर से लेकर फुल लेंथ का नाप यहाँ पर है 22 इंच, जमा में 1 इंच हम ले रहे हैं बॉटम मोड़ने के लिए। यहाँ हम लेंगे हिप का 4 जमा में 1 इंच। कमर का नाप हम ले लेंगे कमर का 4 जमा में 1 इंच। ठीक है, तो ये देखिए ये सब पॉइंट्स हमने आपस में मिला दिए। अब हमें यहाँ से देखिए नेक की चौड़ाई ले रही हूँ मैं यहाँ से 3 इंच, और कंधे की गिरावट मैंने ले ली है हाफ। अब यहाँ से देखिए मैंने 1 इंच अंदर से निशान लगा लिया है आर्म होल की गोलाई के लिए, और पीछे के आर्म होल की भी हमने गोलाई कर ली। इसके बाद देखिए हमने आगे के नेक की गहराई ली है 4 इंच और पीछे के नेक की गहराई ली है 3 इंच, और इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है। अब देखिए हमने साइड में 1-1.5 इंच का मार्जिन दे देना है। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक गोलाई करेंगे। देखिए इसके लिए हमने क्या करना है, ये जो हमने चेस्ट का 4 जमा में 2 इंच क्यों लिया है, देखिए ऊपर से मैंने 11 इंच पर एक लाइन लगा लेनी है शोल्डर से लेकर नीचे तक एकदम सीधी, और यहाँ पर एक छोटी सी गोलाई दे देनी है जैसे कि मैं यहाँ पर दे रही हूँ। ठीक है, यूं तो इसीलिए हमने, क्योंकि हम यहाँ बीच में से कट करेंगे इसलिए हमने चेस्ट का 4 जमा में 2 इंच लिया था, तो सिलाई करके वो 1 इंच के बराबर ही आ जाएगा। तो ये देखिए अब हम यहाँ से लेकर ऊपर तक का नाप ले लेंगे, 13 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि रफल लगेगी नाप लिया है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं, बैक नेक की और बैक शोल्डर आर्म होल की। साइड में मार्जिन समेत हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद देखिए हमने यहाँ से जो हमने ये गोलाई में कटिंग कर ली, इसके बाद कोई भी दो हिस्से हमें देखिए यहाँ के ले लेने हैं और आगे के आर्म होल की गोलाई कर लेनी है। यहाँ पर हम फ्रंट और यहाँ पर बैक लिख लेंगे ताकि जोड़ते समय हमें आसानी हो। अब इन दो पार्ट्स को भी हम अलग कर लेंगे और आगे के नेक की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने नेक की भी कटिंग कर दी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्रंट और बैक को आपस में मिलाकर शोल्डर की स्टिच लगानी है।
अब ये देखिए हमने ये टॉप ले लिया है और इसकी यहाँ से साइड में जो मार्जिन है उसके बाद हम यहाँ पर नाप लेंगे। 13 इंच हो रहा है तो अब हमें ये जो बचा हुआ कपड़ा है ये 2 फोल्ड ऑलरेडी है, एक फोल्ड हमने और कर लिया तो ये 4 लेयर हो गई। 4 लेयर हमें 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए चाहिए। तो हमने ये हमारे पास एक कटोरी है, अगर आपके पास कंपास है तो आप कंपास ले सकते हैं। इसकी जो रेडियस है हमें इस पर कटोरी की जो रेडियस है वो 13 इंच के बराबर होनी चाहिए। तो हमें एकदम सेंटर पे से नहीं रखना है, थोड़ा सा साइड में रखना है कपड़े में। और या आपके पास कंपास है तो आप कंपास से एक सर्कल लगा लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ से मैंने एक लाइन लगा दी। अब देखिए एक बार हम इसके रेडियस को भी नाप लेते हैं 13 इंच है या नहीं। तो देखिए ये 13 इंच हो रही है। अब इसके बाद हमें यहाँ से 4.5 इंच का निशान लगा लेना है और यहाँ पे भी 4.5। यहाँ पर हम 2 पॉइंट कम कर देंगे, यहाँ पर हम और 2 पॉइंट कम कर देंगे और इस तरीके से पूरे सर्कल में 2-2 पॉइंट कम करते हुए हमें पूरा पूरी मार्किंग कर लेनी है। तो ये सर्कुलर रफल होते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने इसको निशान लगा लिया 2-2 पॉइंट कम करते हुए। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक आते आते ये 2 इंच का हो गया है। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा गोल करके एंड कर देंगे। तो ये हमने गोलाई कर लिया यहाँ पे। अब हम इसकी थोड़ा मैं आपको डार्क करके दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमने शोल्डर से लगकर यहाँ तक नाप लेनी है। अगर ये थोड़ी बड़ी हो रही है तो आप इसकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर सकते हैं यूँ। इसे
नाप के देख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें फ्रंट और बैक पार्ट को आपस में मिलाकर शोल्डर की स्टिचिंग कर लेनी है। तो देखिए, अब हमने शोल्डर की स्टिचिंग कर ली है। इसके बाद हमने 1.5 इंच विड्थ की ये बायस स्ट्रिप काट ली है और इसको हमें टॉप के सीधी साइड इस प्रकार से रखकर नेक के ऊपर स्टिच लगा लेनी है। तो ये देखिए, अब हमने बायस लगा ली है। इसके बाद हमें इसे टर्न करके रॉन्ग साइड पर इस प्रकार से थोड़ा सा मोड़ के इसकी भी फिनिशिंग कर ली है। तो मैं ये फिनिशिंग आपको करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, हमने नेक की भी फिनिशिंग कर ली है। हमने रफल काटे थे, ये 4 रफल है टोटल। तो 2 रफल को हम मिला के इस तरीके से सीधी स्टिच कर लेंगे और दूसरे के भी यहाँ स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने रफल पे स्टिच कर ली है। अब इसकी जो आउटर साइड है, इस पर हमें आप चाहे तो पीको भी कर सकते हैं या फिर तुरपाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको तुरपाई करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, हमने रफल के आउटर साइड पर तुरपाई कर ली है। अब हम ये टॉप लेंगे और इस तरह से हमें टॉप को सीधा रखना है और शोल्डर स्टिच और रफल की जो सेंटर स्टिच है उसे आपस में मिला लेना है और इस तरीके से हमें यूं रफल को स्टिच कर लेना है टॉप के साथ। यहाँ पर भी हमें स्टिच को आपस में मिला लेना है और यूं रफल को टॉप के साथ स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, हमने रफल को टॉप के साथ स्टिच कर लिया है। अब हमने जो साइड में ये पार्ट्स काटे थे, इनको हम टॉप के साथ जोड़ेंगे। जो हमने फ्रंट वाले थे उसे फ्रंट के साथ रखना है यूं। तो यहाँ से हमें स्टिच करना, देखिए यहाँ पर हमें यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करना है और यहाँ तक। इसी प्रकार से यहाँ का भी हमें यूं यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करना है और यहाँ तक। तो ये देखिए, फ्रंट के दोनों साइड के पीसेस तो मैंने जोड़ लिए हैं। अब हमें बैक पार्ट में भी ये साइड के कपड़ा जोड़ देना है। तो ये देखिए, हमने फ्रंट और बैक में ये पीसेस लगा दिए हैं। अब मैंने ये बायस ली है और इसको इस प्रकार से हमें आर्म होल पर लगा देनी है और टर्न करके इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, हमने अब इन जो रफल है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है रॉन्ग साइड पे, उसे सेंटर की तरफ टर्न करना है और रफल को बाहर की तरफ और एकदम रफल के ऊपर ही किनारे पर स्टिच लगा देनी है। तो देखिए, अब हमें बॉटम की स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, बॉटम की फिनिशिंग करने के बाद हमें फ्रंट और बैक को इस प्रकार से आपस में मिला लेना है एकदम बराबर।
और साइड में स्टिच लगा लेनी है। साइड में स्टिच लगाने से पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप लीजिए कि आपको चेस्ट लाइन से कितना ढीला टाइट चाहिए, तो उतने पे आप निशान लगा लीजिए। और जो ये रफल है ये साइड स्टिच में नहीं आना चाहिए, और यहाँ पर भी इसे ऊपर की तरफ टर्न कर लेना है, और ये भी साइड स्टिच करते समय स्टिच के बीच में नहीं आना चाहिए। तो हम साइड में स्टिच लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने साइड में भी स्टिचिंग कर ली है, तो ये हमारा टॉप बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, एंड सबसे लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग।